सब लोग करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करते। भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले तो इस सभागृह में उपस्थित एनडीए घटक दलों के सभी नेतागण, नवनिर्वाचित सभी सांसदगण और हमारे राज्यसभा के भी सांसदगण, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था, और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है, और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी है, और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। साथियों, बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं
शायद उनको सूट नहीं करता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया।